हेलो गर्ल्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं डिज़ाइनर साड़ी पैटर्न की, जिन्हें लेडीज और गर्ल्स दोनों ही स्टाइल करवा सकती है, बहुत ही मॉडर्न लुक क्रिएट कर सकती है, क्योंकि ये सारे लेटेस्ट पैटर्न आए हुए हैं मार्केट में। आप इजीली इन्हें बनवा सकती है, बुटीक पे भी अपने लिए फैब्रिक ले करके। तो आज की वीडियो बहुत ही स्पेशल है, एंड तक वॉच कीजिएगा। चैनल पर न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि मेरी कोई भी वीडियो आए उसकी नोटिफिकेशन आपको जरूर मिले। तो गर्ल्स, जैसा कि मैंने बताया आपको, ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो है। यहाँ पर जगत शो के नाम से है कोई भी, तो इन्होंने मुझे कमेंट किया हुआ है कि साड़ी की वीडियो बनाइए। तो आज की वीडियो बहुत ही स्पेशल है, एंड तक वॉच कर लीजिएगा, बहुत सारे पैटर्न आपको देखने को मिलेंगे। तो डिज़ाइन नंबर फर्स्ट में आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये सिल्क के फैब्रिक में साड़ी, देखिए बिल्कुल प्लेन साड़ी है, साथ ही बहुत ही सिंपल सी बॉर्डर है। तो इस तरह से भी अगर आप साड़ी लेती हैं तो इसका लुक जो है काफ़ी ज़्यादा अच्छा दिखता है। बट आपको हमेशा याद रखना है कि अगर आप कोई ब्लाउज साड़ी पहनती है, प्लेन साड़ी लेना है, उसके साथ डिफरेंट टाइप का कोई ब्लाउज मैच करना है, जैसे प्लेन साड़ी विथ हैवी ब्लाउज कुछ इस टाइप का, और या फिर आप डिज़ाइनर ब्लाउज भी ले सकती हैं, आजकल मार्केट में बहुत ईजिली अवेलेबल है, तो आप वहाँ से भी ऐसे बाय कर सकती हैं। डिज़ाइन नंबर थर्ड की बात करें तो ये बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड में चल रही है ये साड़ी, क्योंकि देखिए बहुत ज़्यादा अच्छा और गुड लुकिंग दिखती है। तो आप इजीली ये मार्केट में फैब्रिक लेकर भी अपनी बुटीक से बनवा सकती हैं, तो आप यहाँ से बहुत सारे आइडिया ले सकती हैं। लेस भी लगवाइए इसके साथ, बहुत ज़्यादा अच्छा दिखेगा। यहाँ पर आप देख सकती हैं, ये सिल्क के फैब्रिक में गोल्डन कलर की साड़ी, उसके साथ पिंक कलर का ब्लाउज ब्रोकेट फैब्रिक का, बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है लुक, बहुत ज़्यादा अच्छा दिख रहा है इसे। तो इस तरह से भी अगर आप अपने लुक को बनाएंगी तो ये भी बहुत ज़्यादा अच्छा दिखेगा। ये लेडीज़ और गर्ल्स दोनों के लिए है, तो दोनों ही अपने लिए स्टाइल करवा सकती है। अगर आप न्यू मैरिड हैं तो डिज़ाइन नंबर 5 आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा दिखेगा। ये ग्रीन कलर, रेड के साथ ग्रीन तो हर किसी को पता है कि वो अच्छा ही लगता है, तो यहाँ पर आप देख सकती हैं ये डिज़ाइनर, बिल्कुल डिज़ाइनर साड़ी है। तो इस तरह से भी आप अपने लिए स्टाइल करवा सकते हैं। डिज़ाइन नंबर 6 की बात करें तो ये जॉर्जेट फैब्रिक की साड़ी बहुत ज़्यादा अच्छी दिख रही है, क्योंकि ये हल्की होती है और इसका लुक भी बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, प्लेन बॉर्डर है, साथ ही अपने ब्लाउज को आप बहुत तरह से क्रिएट कर सकती हैं, बहुत डिफरेंट टाइप से डिज़ाइनर लुक उन्हें दे सकती हैं। तो इस तरह से भी आप अपने लिए ब्लाउज बनाएंगी तो बहुत ज़्यादा अच्छा दिखेगा। आज की वीडियो में आप लोगों को डिज़ाइनर साड़ी खुद के आपसे अपने हाथ से डिज़ाइन की हुई साड़ी ज़्यादा देखने को मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर आजकल ट्रेंड में सबसे ज़्यादा यही चल रही है और बहुत ज़्यादा अच्छी भी दिखती है, देखते ही बंदों की नज़र ठहर जाती है इस पर। तो इसलिए मैंने इस साड़ी पे ये वीडियो बना दी। उसके अलावा नेट की साड़ी यहाँ पर आप देख सकते हैं, नेट का ज़माना तो गया बट नेट की साड़ी बहुत ही ज़्यादा गुड लुकिंग दिखती है, इसलिए मैंने यहाँ पर नेट की साड़ी भी ऐड की हुआ है। डिज़ाइन नंबर 8 से आप ऐसे आइडिया ले सकती हैं, आपको बहुत अच्छे अच्छे कलर देखने को मिलेंगे और टाइप के कलर मिल जाएंगे। गर्ल्स, आप ज़्यादा करके यहाँ पर अगर ध्यान देंगी तो आपको ये देखने को मिलेगा, मेरी साड़ियाँ ज़्यादा करके प्लेन है, उनके साथ ब्लाउज जो है डिज़ाइनर मैच किया गया है, तो इनका लुक बहुत ही ज़्यादा अच्छा और डिसेंट लग रहा है। तो बहुत ज़्यादा गुड लुकिंग देने के लिए अपने साड़ी को, तो आप अपने ब्लाउज को थोड़ा डिफरेंट कर दीजिए, तो ये भी बहुत ज़्यादा अच्छा दिखेगा। डिज़ाइन नंबर 10 की बात करें तो यहाँ पर आप पीच कलर में देख सकते हैं, इसके साथ पर्पल कलर का लाइनिंग वाला ब्लाउज मैच किया हुआ है, तो ये भी बहुत ज़्यादा अच्छा दिख रहा है। डिज़ाइन नंबर 10 से आप ऐसे आइडिया ले सकते हैं, गोल्डन कलर की लेस लगवाइए उस पर। डिज़ाइन नंबर 11 में देखा जाए तो ये सिल्क का फैब्रिक ले रखा है, सिल्क का ही ब्लाउज है, फ्लोरल डिज़ाइन का जो फैब्रिक ले रखा है हमारे सिल्क का ब्लाउज का, तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा दिख रहा है। देखिए बहुत ही, कोई भी साड़ी अगर आप लेंगे तो उसका अपोजिट कलर का अपने लिए ब्लाउज सिलवा सकते हैं, अगर आपको नहीं पसंद तो आप थोड़ा मैचिंग भी ले सकती हैं। डिज़ाइन नंबर 12 में बात करें तो आप इस तरह से अपने आंचल में बहुत ही अच्छे से डिज़ाइन करवाइए, अपनी साड़ी प्लेन रखिए, बस अपने आंचल में डिज़ाइन करवाइए तो बहुत ज़्यादा अच्छा दिखेगा, और ब्लाउज भी ऐसे कट स्लीव्स बनवाएंगी तो आप बहुत ज़्यादा अच्छी दिखेगी। डिज़ाइन नंबर 13 की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, हाफ साड़ी हमारी नेट की है और हाफ हमारी फैब्रिक की है, तो ये भी बहुत ज़्यादा ट्रेंड में चल रही है, आजकल बहुत ही कम देखने को मिलेगी, बट देखिए इसका लुक जो है काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव है और बहुत ज़्यादा गुड लुकिंग है, क्योंकि ये 3 कलर्स की साड़ी है, आप कलर कॉम्बिनेशन अपने हिसाब से रख सकते हैं। डिज़ाइन नंबर 14 की बात करें, ये भी वैसे ही खुद की डिज़ाइन की हुई साड़ी है, तो ईजिली आपको ये मार्केट में अवेलेबल होगा ये फैब्रिक। अगर आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछेंगे तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगी कि ये कौन सा फैब्रिक है और इसका जो ब्लाउज है वो डिज़ाइनर है, तो ईजिली आपको डिज़ाइनर ब्लाउज भी अवेलेबल होते हैं मार्केट में। यहाँ पर आप देख सकती है, ब्लैक कलर की प्लेन साड़ी है, ब्लाउज जो है हमारा ब्रोकेट फैब्रिक का है। गर्ल्स, अक्सर आप देखेंगे ज़्यादा करके साड़ियों के साथ ब्रोकेट फैब्रिक का ब्लाउज ज़्यादा यूज़ किया जाता है, क्योंकि ब्रोकेट फैब्रिक का जो लुक है वो काफ़ी
काफ़ी ज़्यादा अच्छा दिखता है, वो थोड़ा प्लेन चीज़ को भी वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव बना देती है। तो इसलिए प्लेन साड़ी के साथ हमेशा ब्रॉकेट फैब्रिक का अगर आप अपने लिए ब्लाउज मैच करती है तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा दिखता है। डिज़ाइन नंबर 16 में जैसा कि आप देख सकती है, यहाँ पर नेट की साड़ी है, उस पर वर्क हुआ पड़ा है बिल्कुल उसी कलर का, तो इस तरह से भी आप साड़ी ले सकती हैं। उसके अलावा आप नेट की पूरी प्लेन नेट लीजिए, चौड़ी बॉर्डर की लेस लीजिए, उसे आप अपने हाफ नेट पे उसे कवर करवाइए, तो इस तरह से आप और ब्लाउज आपकी स्लीव्स उसे लॉन्ग कीजिए तो ये बहुत ज़्यादा अच्छी दिखेगी। डिज़ाइन नंबर 18 में भी आपको इसी तरह का कुछ देखने को मिलेगा, उसे बेल स्लीव्स बनवाइए और जिस तरह से भी आप चाहे इस तरह से मैच बिठा सकती है। आई होप गाइज आज की वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी, तो मेरा एक लाइक ज़रूर बनता है, तो मेरी लाइक वीडियो को लाइक ज़रूर दीजिए, साथ ही शेयर कर दीजिए, सबसे नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट भी कर दीजिएगा कि कैसी लगी। तो आज की वीडियो में तो बस इतना ही था, मिलेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।